और अगली खबर में बात करते हैं सीधी की, जहां संजय डुबरी नेशनल पार्क में 6 शावकों के साथ घूमते हुए बाघिन टी 28 का वीडियो सामने आया है। शावक पानी में अटखेलियां कर रहे हैं और बाघिन उन पर नजर रखे हुए हैं। इनमें 3 शावक टी 28 के जबकि 3 मृत बहन टी 18 के हैं। बहन की मौत के बाद 5 महीने से तीनों शावक टी 28 के साथ हैं। मौसी शावकों की दूसरे शिकारी जानवरों में सुरक्षा कर रही है, उन्हें शिकार करना भी सिखा रही है। 16 मार्च को संजय डुबरी नेशनल पार्क में बाघिन 18 की ट्रेन से टकराने से मौत हो गई थी। तब उसके 4 शावक की उम्र करीब 7 से 8 महीने थी। इसमें से 1 शावक को बाघ ने मार दिया था। इसके बाद नेशनल पार्क मैनेजमेंट ने बचे 3 शावकों को अप्रैल में उनकी मौसी यानी बाघिन टी 28 के पास छोड़ दिया था। नेशनल पार्क के ज्वाइंट डायरेक्टर एचओ शर्मा ने बताया कि मृत बाघिन टी 18 के 3 शावक करीब 14 महीने के हो गए हैं। वहीं टी 28 के तीनों बच्चों की उम्र 12 माह है। बाघिन टी 28 पहली बार माँ बनी, लेकिन वह बहन के बच्चों के लिए यशोदा की भूमिका भी निभा रही है। बाघिन टी 28 अपने शावकों के साथ ही नजर आती हैं। जब भी शावक एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं तो बाघिन उन पर नजर रखती हैं। पार्क के अधिकारियों का कहना है कि टी 28 ने शावकों को अपने बच्चों जैसा ही रख रखा है। जंगल में इस तरह के किससे कम ही सुनने और देखने को मिलते हैं। बाघिन टी 18 और टी 28 एक ही माँ कमली की संतान है। कमली टाइगर रिजर्व की काफी फेमस बाघिन थी। उसके सिर पर कमल जैसा निशान था।